गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का विषय हिंदी पढ़ेंगे। पाठ है 4.2 और पाठ का नाम है गृह प्रवेश। यह एक पद्यांश है और इस पद्यांश के कवि हैं सतीश जायसवाल। तो हम आज इसका पहला भाग पढ़ते हैं। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे के चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता। गृह प्रवेश का विभिन्न चिड़ियों ने भी न्योतों को मान लिया। आई दाना चुगा और लौट गई बाहर ही बाहर दरवाजे से। वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। छूट गया घर सोने का सोना, पहले से भी वीराना किसी रंग बिरंगी। और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी अकेला जैसे, थका हारा और बिल्कुल अकेला। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक भारती से लिया गया है। पाठ का नाम है 4.2 और यह गृह प्रवेश से लिया गया है, जिसके कवि हैं सतीश जायसवाल। प्रसंग इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि ने एकाकीपन और शून्यपन का चित्रण किया है, जो पक्षियों का सहारा लेकर अपने एकाकीपन और शून्यपन को दूर करने की कोशिश की है। आइए हम इसका अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं, कवि जब अकेले थे एकदम सुना सुना लग रहा था, तब उन्होंने एक उपाय किया। उन्होंने धान की बाली मतलब जो धान रहता है, उसके जो पौधा रहता है छोटा छोटा, उसे बाली कहते हैं। तो धान की बालियों वाली झालर को उन्होंने दरवाजे के चौखट पर लटका दिया। जो दरवाजा होता है वहां पर उसने धान की बाली को लटका दिया। और चिड़िया जो धान की बाली यानी कि धान को खाने के लिए आती थी, जब चिड़िया धान को खा जाती थी और खाकर वो फिर से उड़ जाती थी, अर्थात गृह प्रवेश का विभिन्न चिड़ियों ने भी न्योता को मान दिया। आई दाना चुगा लौट गई बाहर ही बाहर, कहने का मतलब है चिड़िया दाना चुगने आती थी, धान को खाने की ले आती थी, जब खा लेती थी वो लौट जाते थे, वो दरवाजे के बाहर से ही लौट जाते थे। जैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। कवि को लगा कि जिस प्रकार किसी समारोह में, किसी शादी में कोई आमंत्रित रहते हैं, कोई अतिथि आते हैं और कार्यक्रम हो जाने के बाद, खाना पीना खा लेने के बाद वह पुनः अपने घर को वापस चले जाते हैं, वैसे ही चिड़िया दाना खाकर चुपकर वह पुनः लौट जाते थे। छूट गया घर सोने का सोना, पहले से भी वीराना किसी रंग बिरंगे। और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे, थका हारा और बिल्कुल अकेला। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, जब चिड़िया वापस चली जाती थी, जब तक उन लोग रहते थे तब तक तो चहल पहल जैसे लगता था, लेकिन जब चिड़िया वापस चली जाती थी तो घर फिर से सोना का ही सोना रहता था। उसके जाने के बाद घर में इतनी शांति होती थी कि जैसे किसी मेले में से लौटकर जब व्यक्ति आता है, मेला समाप्त हो जाता है, तो वहां का स्थल फिर से सुना और विराम हो जाता है और वह आदमी बिल्कुल थका हारा और अकेला रह जाता है। कवि को वैसा ही प्रतीत होने लगा। ये आपका पहला भाग है। अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न करना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।